छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा की जाएगी। लोक लेखन समिति का प्रतिवेदन भी सदन में पेश होगा। वहीं सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 2300 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। आज प्रश्नकाल के दौरान महिला बाल विकास और कृषि विभाग से संबंधित सवालों को किया जाएगा। वहीं ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा साइंस कॉलेज से छात्रों को परीक्षा से बेदखल किए जाने का मामला उठाएंगे, तो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के साथ ही बीजेपी विधायक पुलिस कस्टडी में मौतों के मामले पर गृहमंत्री का ध्यान दिलाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी आशीष तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जान लेते हैं कि किस तरह की आज सदन की कार्यवाही रहने वाली है। आशीष जी, देखिए सदन की कार्यवाही रश शुरू हो चुकी है और प्रश्नकाल शुरू हुआ है, पहला सवाल ही यहाँ पर किया गया है। लेकिन आज की कार्यसूची जिस तरीके से जारी की है विधानसभा सचिवालय ने, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है विधि विधायकी कार्य के हिसाब से भी और सरकार के अपने बिजनेस हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जिस तरीके से अनुपूरक बजट सदन के पटल पर प्रस्तुत किया था, तकरीबन 2400 करोड़ का, इस पर आज चर्चा होगी, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। और इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विधि विनियोग विषय विधेयक भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे और यह अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। हालांकि इसके पहले प्रश्नकाल जो चल रहा है, इसमें कृषि मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के विभागों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल है। और जरूर जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार किसानों के मामले को सदन में उठा रहा है, हंगामा बरपा रहा है, इसकी भी वानगी आज एक नए मुद्दे के जरिए सदन के भीतर देखने को मिलेगी। जब प्रश्नकाल खत्म होगा, विपक्ष किसी दूसरे बड़े मुद्दे पर आज स्थगन प्रस्ताव की यदि सरकार को सदन में घेरने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। दो तीन अशासकीय संकल्प भी आज सदन में प्रस्तावित है चर्चा के लिए जी। साथ ही ध्यान आकर्षण की अगर हम बात करें तो सूचना के जरिए कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा साइंस कॉलेज से छात्रों को परीक्षा से बेदखल किए जाने का मामला भी उठाएंगे, ये पूरा मामला क्या रहा था आशीष जी? देखिए ध्यान आकर्षण सूचना लगाई है सत्यनारायण शर्मा ने कि जो साइंस कॉलेज रायपुर है वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं जो है उनकी उपस्थिति कम बताकर उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एक गंभीर मामला था, ये मामला पहले भी लगातार उठता रहा है, इसे आज सदन में ध्यानाकर्षण के जरिए सत्यनारायण शर्मा उठाएंगे। कोशिश इस बात को लेकर की जाएगी कि उन छात्रों को कुछ रियायत दी जा सके। धरमलाल कौशिक, कृष्णमूर्ति बांधी और बृजमोहन अग्रवाल जो कि विपक्ष के नेता है, ये प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना और पुलिस की अभिरक्षम जिस तरीके से मौतों का ग्राफ बढ़ा है, ये एक इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाएंगे और इस मुद्दे पर जमकर हंगामा होने के आसार है। बीजेपी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को इस मुद्दे पर पहले भी घेरती रही है, तो जाहिर है सदन में जब ये मुद्दा उठेगा तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जमकर जो हंगामे के हालात है वो बनते देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं इससे पहले शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में मानव तस्करी का मामला उठा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले को उठाते हुए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मानव तस्करी की परिभाषा को पूछा और इस पर गृहमंत्री के जवाब से असंतुष्ट रमन सिंह ने कहा है कि सदन को गलत जानकारी दी गई है। दरअसल गृहमंत्री ने कहा है कि 150 दिनों तक यदि गुम बच्चों की जानकारी सामने नहीं आती तो इसे मानव तस्करी के दायरे में माना जाता है और इस पर रमन सिंह ने कहा है कि इसकी परिभाषा स्पष्ट है कि जो मंत्री नहीं बता पा रहे हैं। रमन सिंह ने कहा है कि सदन में गलत जानकारी दी गई है और पूरे प्रदेश भर में मानव तस्करी का मामला जोर शोर से चल रहा है और सदन में अधिकारी गलत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MH का गाइडलाइन है कि सभी जिलों में इसकी स्थापना भी करना है, स्थापना करने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसमें केवल गृह विभाग की जवाबदारी नहीं है, महिला बाल विकास सहित अन्य विभाग की जवाबदारी है, इसमें NGO की भूमिका है, इसमें महिला बाल विकास के साथ साथ अन्य विभाग भी जुड़ते हैं, मगर ये बताने में असफल रहे पूरी तरीके से। जेल का गठन का मतलब ये होता है कि हमारा वहाँ पुलिस अधीक्षक जो है
वो अपनी टीम में से कुछ आदमी को नियुक्त करता है उस काम को करने के लिए। ये एक सेल का गठन सभी जिलों में। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में करेंगे क्या, मैं बोला आपका तीन कार्यकाल का सुझाव है, जो बेहतर सुझाव आएगा पुलिस की कार्यप्रणाली में संशोधन के लिए तो उसको निश्चित तौर पर हम करेंगे।